वेलकम टू अंदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब? आई होप यू आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। आज क्या, मैं वैसे सोच रही थी कि जो मैंने पार्क वाला व्लॉग बनाया था ना कल, मतलब उसमें फिल्टर लगा के मैंने लास्ट से बनाना शुरू किया था और वो फिर ज़्यादा एडिट भी नहीं करना पड़ा। मतलब टिकटॉक पे बनाया था ना, तो वो इसी तरह बस मैंने लगा दिया और थोड़ा थोड़ा सा कट किया था एंड गुड टू गो, वो वाला सीन हो गया था। तो मैंने सोचा है, बल्कि मैंने डिसाइड किया कि अब हम टिकटॉक में ही व्लॉग बनाया करेंगे, क्योंकि गर्मियों में वैसे बुत्था इतना काला था तो बंदा थोड़ा सा अच्छा भी तो लगना चाहिए ना। क्या आयशा पता नहीं क्यों मुझे घूरती रहती है जब मैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ करती हूँ। कहती है कम से कम व्लॉग में तो इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ किया करो, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैं हूँ ही ना ऐसी बदतमीज की। खैर, जो बंदा अंदर से हो वो ही दिखाना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि अब हम टिकटॉक में ही व्लॉग बनाया करेंगे। आज हम लोग कर रहे हैं ये वाला काम और इस बात यहाँ से आज मिसिंग है, क्योंकि इस बात है आज किचन में। आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस बात क्या कर रही है, क्योंकि मोस्टली तो इफ्राई होती है ना किचन में और आज बात है किचन में। तो देखते हैं इस बात क्या कर रही है। आयशा मुझे घूर रही है, बार बार देख रही है कि मैं सही बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज हम टिकटॉक में बना रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो मैंने सस्पेंस ज़्यादा क्रिएट किया जैसे हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, और बाहर पता नहीं कोई आइटम बम तैयार कर रही है किचन में। खैर, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है मजाक कर रही हूँ मैं। बकबक करने की आदत है, आप लोगों को पता है, आप वाकिफ है मेरी आदत से। तो चलिए चलते हैं किचन में। पता नहीं किस बिल्ली को मैंने ठुड्डा मार दिया नीचे से। तो बाहर बाजी बना रही हैं मैकरोनी। और बात क्या ही बना सकती है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस बात से। अच्छा, मुझे सब कुछ आता है बनाना, लेकिन बनाती तो ज्यादातर यही हो, इस बात मोस्टली यही चीज बनाने के लिए किचन में आती है। कुकिंग करती हूं। नहीं, वैसे जो तुम सेपरेट करती हो अकेली, हाँ, वो यही, वो सिर्फ यही बनाती है मैकरोनी। और ये पानी रखा हुआ है मैकरोनी को बॉयल करने के लिए। अभी मैं कट कर रही हूँ बंद गोभी, क्योंकि वैसे तो बाहर बना रही है मैकरोनी, लेकिन सब्जियाँ मैं कट करके दूंगी। और ये हमारी शिमला मिर्च। अब ना मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैकरोनी बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बाहर भी काम पे नहीं बैठी हुई है, हमारा काम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। तो मैं काम कर लेती हूँ और जब मैकरोनी बन जाएगी तो डायरेक्ट आपको तभी दिखा देंगे। ओके, ये रेडी हो गई है हमारी मैकरोनी। आ जाओ, अब तुम लोग के दावत दें तुम्हें। जल्दी आ जाओ, मैंने खानी शुरू कर देनी है। मंगी है। ये लोग तो आ नहीं रहे, मैं तो खाने लगी हूँ, फिर बाद में व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, मैकरोनी खाने के बाद हम लोग बिजी हो गए थे काम में, क्योंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा हैवी था। वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ थोड़ी देर तक, पहले थोड़ी सी बात कर लूँ। हवा करने की ज़रूरत नहीं है, पंखा चल रहा है। तो फिर हमारा कज़न आ गया था, कज़न आ गए थे, मतलब उनकी वाइफ और वो खुद और उनके बच्चे भी थे साथ। तो फिर हम उनमें बिज़ी हो गए, मतलब काम तो हम साथ कर ही रहे थे, फिर उनसे बातें भी की, तो इसलिए हमारा काम और ज़्यादा लेट हो गया था। जाहिर सी बात है, जब कोई गेस्ट आता है तो उसकी तरफ ऐसे देख के भी बात करनी पड़ती है, जरूरी नहीं कि अपने काम में लगे रहो और वो बोलते रहे तो अच्छा नहीं लगता। खैर, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही। तो अभी मैं बताना ये चाह रही थी कि डायरेक्ट अभी मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। क्या टाइम हो रहा है पता नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा, इतनी 12:30 हो रहे हैं, क्योंकि 12 बजे तो हम काम से उठे थे। उसके बाद मैंने अपने हैमस्टर्स को खाने पीने के लिए दिया और भी मुँह हाथों नहीं धोया। खैर, झूठ बोल रही हूँ, मतलब झूठ मुँह से निकलने लगा था। अल्लाह अल्लाह ने पता नहीं कैसा बनाया मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा बनाया, अच्छा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तआला लाख लाख शुक्र है। तो फिर ना अभी आई थिंक 12:30 ही हो रहे होंगे, फ्लैश चल रहा है ना, इसलिए मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम काम से फारिग हुए थे 12 बजे, मैं आप लोगों को अपना काम दिखाती हूँ जिसमें हम बिज़ी थे, और मुझसे फ्लैश की तरफ देखा नहीं जा रहा, आई डोंट नो वाई। मैं ना फजूल बोले जा रही हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, मतलब मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये बोलूँगी और अब मुझसे बोला नहीं जा रहा। वेल, मैं डायरेक्ट आपको अपना काम ही दिखा देती हूँ जो हम आज कर रहे थे, जिसमें हम आज बिज़ी हो गए थे। तो ये है वो काम, ये तो सिंगल, मतलब ये हमने ना हाफ बनाई है, नज़र आ रहा होगा। और अभी 12 बज गए थे तो फिर हमने सोचा कि अब हम कल को बना लेंगे। ये है कंप्लीट पीछे जो खड़ा हुआ है, इतना हैवी है ना ये, आई थिंक ये हमारे पास थर्सडे से आए हुए हैं और हमसे ये बन ही नहीं रहे, इस कदर हैवी है ये, आप लोगों को भी नज़र आ ही रहा होगा। खैर, अब क्या कर सकते हैं, काम है तो करना तो पड़ेगा ना।
वैसे एक डिज़ाइन ये वाला भी था, ये थोड़ा सिंपल था, तो हमने सोचा कि पहले हम इसको करके फारिग करते हैं, फिर हम हैवी की तरफ जाएंगे। इसलिए पहले हमने ये वाला काम किया था और फिर ये वाला किया था, और ये हमसे बन ही नहीं सका। तो मुझे याद आया कि मैंने ये भी पूछना था कि क्या हमें फिल्टर में व्लॉग बनाना चाहिए, मतलब टिकटॉक में ही व्लॉग बना लें वेल एंड गुड, या फिर हमें सिंपल कैमरे में ही व्लॉग बनाना चाहिए। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं कुछ समझ में आ रहा कि हमें टिकटॉक में ही बनाना चाहिए या फिर सिंपल कैमरे में बनाना चाहिए। खैर, और अभी हमने खाना भी नहीं खाया। हाँ, मैंने ये भी बताया था कि अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, मतलब जो हमने मैक्रोनी खाई थी ना, बस हमने वही खाई थी और उसके बाद हमने खाना भी नहीं खाया। अभी इफ्रा खाना गर्म करके देगी तो फिर हम खाना खाएंगे। वेल, तो तब तक मैं व्लॉग कंटिन्यू तो नहीं कर सकूँगी, क्योंकि उसके बाद बस खाना खाने के बाद दिल करता है बंदा जी भर के पानी पिए और लेट के थोड़ा सा मोबाइल चलाए और फिर सो जाए। जाहिर सी बात है, इस टाइम और क्या करना है। तो आज का व्लॉग बस इधर ही एंड करते हैं। आई होप यू लाइक माई व्लॉग, क्योंकि ये मैंने बनाया है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। लर्न गुड नाइट, गुड लक, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाई।